ये देखिए गाइस, हमारे छठ पूजा के लिए चावल के आटे और आटे से बनाए एकदम क्रिस्पी एंड टेस्टी ठेकुआ की रेसिपी इस छठ पूजा तैयार करें। बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी ठेकुए की रेसिपी। चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं छठ पूजा के लिए ठेकुआ की रेसिपी। आटे आटे के ठेकुआ जो हमने बनाने थे वो हम बना चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में, तो उसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब हम आज बनाने जा रहे हैं आटा और चावल के आटे के ठेकुआ, जिससे कि क्रिस्पी हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारा एक कटोरी में थोड़ा सा कम है, यानी पौन कटोरी हमारा चीनी है हमारी, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और आप देख सकते हैं हमने डाल दिया है। और ये हमारी मलाई 2 स्पून वो भी हम ऐड करेंगे इसमें। मलाई से जो है उसका टेक्सचर अच्छा आएगा। इसको हम घोल लेंगे, एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये देख सकते हैं गाइस, हमने इसको घोला है। और अब हम इसको थोड़ा सा आंच पर रख देंगे, जिससे कि चीनी मेल्ट हो जाएगी हमारी अच्छे से। 2 मिनट के लिए रखना है, चाशनी नहीं हमें बनानी है। ये देखिए गाइस, आप अगर चाहे तो गरम करें, ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारी असल में जो मलाई थी वो फ्रिज की रखी हुई थी। ठीक है, आप मलाई ना लेना चाहे तो आप इसकी जगह पर दूध भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, हाफ कटोरी चावल का आटा वो भी इसमें ही हम डाल देंगे। ठीक है, और अब इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, ये चावल का आटा हमारा घर का भी बना हुआ है। आप चावल के आटे की जगह पर सूजी भी ले सकते हैं, जो महीन वाली सूजी आती है वही सूजी आप ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करना है। ये देखिए गाइस, एक कटोरी आटा हमने ले लिया है, हाफ कटोरी हमारा चावल का आटा था, एक कटोरी हमने आटा लिया है। गाइस रेशियो एक बार और हम बता देते हैं ताकि आप भूले नहीं। 1/4 कटोरी हमारी चीनी थी, 1 कटोरी भी थोड़ा सा खाली, और 1/2 कटोरी चावल का आटा, और 1 कटोरी हमारा आटा। ठीक है, क्योंकि रेशियो इसलिए हमें बताना जरूरी है, आप गलत ना गड़बड़ ना कर दें, जिससे कि आपके अच्छे से ठेकुए बनेंगे। देखिए, ये हमने कुछ बादाम और कुछ काजू चॉप कर लिए हैं, और ये हमने नारियल ले लिया है एक छोटा टुकड़ा। ठीक है, इलायची, ये देखिए गाइस, पिसी हुई इलायची जो कि हमने 10-12 ले ली थी, कूट ली थी, वो डाली है। और अब इसमें डालेंगे हम मोयन। ठीक है, तो आप चाहे घी का डालें या रिफाइंड ऑयल डालें, जो भी आप जिससे आप बनाए। वैसे तो घी में बहुत अच्छे बनते हैं, तो हम घी का ही डालेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं हम स्पून से ही बताए दे रहे हैं आपको कि हमने कितने स्पून डाला हुआ है। ये देखिए, 2, 3, 4, ये रहे 5, क्योंकि हमने मलाई ऐड करी है। ठीक है, अगर आप मलाई ना डालें तो थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं आप। ठीक है, तो एक बात और गाइस, हमने इसमें किशमिश नहीं ऐड करी है, क्योंकि किशमिश ज्यादातर फ्राई करने पर जल जाती है, क्योंकि किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है, इसलिए आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, अब इनको सबको हम अच्छे से डो बना लेंगे, मतलब मोयन अच्छे से लगा लेंगे इसका। अब ये देखिए गाइस, ये अपना डो है, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो सारा डाल देंगे जो भी डो था। अब देखिए गाइस, इसको हाथ से मिला लेंगे सारे को, क्योंकि हमें डो जो है चाहिए एकदम टाइट चाहिए, लूज नहीं चाहिए। अगर जरूर, वैसे तो हमारे इतने में ही हो जाएगा, मगर अगर आपको लोगों को लूज टाइट लगे ज्यादा तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। बट देखिए, हमें दूध ऐड करने की हमें नहीं लगती कि जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि ठेकुओं का जो होता है मिश्रण वो टाइट ही रहता है। ठीक है, ये देखिए गाइस, थोड़ा सा सख्त लग रहा था, तो हमने 1 स्पून दूध इसमें हम ऐड करेंगे पहले, 2 स्पून। ठीक है, ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, 2 स्पून। और 2 स्पून देखते हैं गाइस, 2 स्पून में हमारा बन चुका है। ये देखिए, बनने लगा है, तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, इस तरह से ढककर एक में ही करके। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हो गया है। अब इसको एक में करके रख देंगे। ये देखिए गाइस, 15 मिनट हो चुका है इसको ढके हुए। तो अब हम एक काम करेंगे, तो इनके बनाएंगे ठेकुए। सांचे से भी बना सकते हैं, बकर हम सांचे से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास सांचा है भी नहीं अभी। तो ये देखिए, इस तरह से हम बना लेंगे, छोटा सा लेंगे
ठीक है, और गोल करते हुए फिर इसको हम ऐसे प्रेस करेंगे और इसे आकार देंगे। जिस भी आकार का आप बनाना चाहे, तो आज हम गोल बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से गोल गोल बनाएंगे। और गाइस ये जो चिटके चिटके आपको दिख रहा है, यही इंडिकेशन है कि आपके ठेकुए बहुत अच्छे बनने वाले हैं, बहुत क्रिस्पी बनने वाले हैं, ठीक है। तो ये देखिए चावल के आटे का ठेकुए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। तो इस तरह से बना बना के हम साइड में रखते जाएंगे, सारे बना लेंगे, उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। तो दूसरा भी देख सकते हैं, कुछ नहीं करना है गाइस, जैसे ले लिया अपने हिसाब से और उसको हमने ऐसे बॉल लड्डू की तरह बनाया और गोल किया और फिर इस तरह से प्रेस कर दिया। आपके पास सांचा हो तो आप सांचे से भी बना लें, बट हमारे पास है नहीं सांचा तो हम इसे ही बना देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से सारे हम बना के फिर मिलते हैं आगे आपसे। गाइस इसमें चीनी भी आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से हमने बताया है आप उसी हिसाब से बनाए तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप बहुत ज्यादा नहीं इसमें चीनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर चीनी बढ़ाएंगे या रिफाइंड ऑयल बढ़ा देंगे मोयन, तो वो तेल में जाके बिखर जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं बनाना है, चीनी आप बहुत थोड़ी मात्रा में बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनाना है, ठीक है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस हमारे ठेकुए बनकर तैयार है सारे के सारे। तो हमने अपनी कढ़ाई रख दी है फ्लेम पर, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। ये देखिए गाइस हमारा तेल हो चुका है, आप इसे घी में, रिफाइंड ऑयल में या कोई भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल में मत बनाएं, क्योंकि उसकी फ्लेम जो होती है, उसकी जो जैसे बोलते नहीं ना, उसकी बहुत तीखी झा होती है, वो नहीं बनता है। तो ये देखिए अब एक हम इसमें डाल के देखेंगे कि हमारा बिखर नहीं रहा है और अच्छे से हो रहा है या नहीं। तो ये देखिए बिखर भी नहीं रहा है और अच्छे से हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे बन जाएंगे ठीक हुए अच्छे से। तो चलिए एक एक कर हम डालते हैं। और गाइस फ्लेम को बिल्कुल धीमे ही रखना है, बहुत तेज नहीं रखना है, ठीक है। और एक बार में जितने आ जाए आपके ठेक में उतने ही ऐड करने हैं, इस तरह से, ठीक है। अब इनको सिकने देना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। देख सकते हैं गाइस कितने धीमे धीमे सिक रहे हैं, तो इनको धीमी ही फ्लेम पर सेकना है और 2 मिनट के बाद हमें इन्हें पलटना है। ऐसे हमें नहीं छूना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, टूट जाएंगे। ये देखिए गाइस 1 मिनट हो चुका है, तो अब इनको हम धीरे से रोटेट करेंगे, एकदम धीरे से, क्योंकि बहुत मुलायम होते हैं, ये टूट सकते हैं इसलिए। ये देख सकते हैं गाइस इसका कलर कितना प्यारा हो चुका है। तो इनको हम निकाल कर अब रख लेंगे। लगभग एक बैच सिकने में 15 मिनट लगे हैं, तो इसी तरह से हमें सेक लेना है सारे। ये देख सकते हैं गाइस सारे निकाल कर रख लिए हैं, तो इसी तरह से अब सेकंड बैच भी सेक लेंगे। हमारे तैयार हो गए बन करके ठेकुआ, और इतने क्रिस्पी हैं और इतने टेस्टी हैं कि आपको हम देखो तोड़कर भी दिखाते हैं। ये देखिए कितने टेस्टी और इतने यम्मी और बिल्कुल अंदर तक हैं पके हुए, इतने टेस्टी इतने यम्मी खस्ता ठेकुआ हमारे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।